हेलो फ्रेंड्स गुड इवनिंग मैं शिवम कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान एक्सपी में तो दोस्तों आज की इस वीडियो में विद्युत यानी कि इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न डिस्कस करेंगे जो कि ये क्वेश्चंस जो इलेक्ट्रिसिटी के आज हम डिस्कस करेंगे ये भी एस एस द्वारा कई बार पूछे गए हैं तो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेसन है तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को सपोर्ट कीजिएगा प्लीज़ फ्रेंड वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि इसमें और लोग जुड़ जाएँ तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है और किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं वो आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों आपसे इतनी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग तो वीडियो को शेयर कर दीजिए और अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा तो शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन इसके पी के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है या आप टेलीग्राम ऐप पर जॉब एक्सपी सर्च करके हमारे ग्रुप से जुड़ सकते हैं ठीक तो है तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन तो फ्रेंड्स आपका पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस धातु की विद्युत चालकता अधिकतम होती है तो फ्रेंड्स इसमें आपको बताना है कि देखिए इनमें से ठीक है यानी कि तांबा चांदी जस्ता और सीसा में से किसकी विद्युत चालकता सबसे ज़्यादा होती है काफ़ी सिंपल सा प्रश्न है और आप खुद देखिए कि 2017 में पूछा गया है तो बताइए कि अब आपके इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट right आंसर क्या होगा कि विद्युत की सबसे अधिक चालकता किस में होती है तो वेरी गुड फ्रेंड्स और इस क्वेश्चन का जो है राइट right आंसर अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर बी ठीक है चांदी तो बिल्कुल सही आंसर है आपका जो विद्युत की सबसे अधिकतम चालकता विद्युत की जो सबसे अधिक चाल होती है वो होती है सिल्वर यानी कि चांदी में तो इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा चांदी ठीक है चलिए देखते हैं अगला प्रश्न तो फ्रेंड्स आपका अगला प्रश्न है कि प्रतिरोध का वित्रम चालकता है ठीक है ध्यान से देखिएगा कि प्रतिरोध का वित्तक्रम चालकता है यदि प्रति, प्रतिरोध की इकाई ओम है तो चालक की इकाई क्या होगी तो बताइए फ्रेंड्स प्रतिरोध का वित्तक्रम चालकता है ठीक है ये तो क्लियर हो गया लेकिन अगर प्रतिरोध की इकाई ओम है ठीक है अगर प्रतिरोध की इकाई ओम है तो चालकता की इकाई क्या होगी तो अब बताइए कि आपके क्वेश्चन नंबर सेकंड का राइट आंसर क्या होगा तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए ठीक है ओम माइनस वन ठीक है ये होगा जो है प्रतिरोध का सॉरी चालकता की इकाई इसलिए आपका ऑप्शन नंबर एक बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ठीक है चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न और इसमें ये इंपॉर्टेंट है कि प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है तो प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम ये भी आप याद रखिएगा चलिए देखते हैं अगला प्रश्न तो फ्रेंड्स आपका अगला प्रश्न है कि विद्युत और चुंबकत्व के बीच लिंक की खोज किसने की थी बहुत अच्छा प्रश्न है और अब बताइए कि विद्युत और चुंबकत्व के बीच लिंक की खोज किसने की थी तो ये हैं आपके ऑप्शंस काफी सिंपल सा प्रश्न है और अब बताइए कि आपके इस क्वेश्चन का राइट right आंसर क्या होगा कि विद्युत और चुंबकत्व के बीच लिंक की खोज किसने की थी तो वेरी गुड फ्रेंड्स और इस क्वेश्चन का राइट right आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर थ्री माइकल फेराडे ठीक है किसने की थी माइकल फेराडे ने तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए क्लियर फ्रेंड्स चलिए अब देखते हैं आज वीडियो का अगला प्रश्न। तो फ्रेंड्स आपका अगला प्रश्न है कि टेस्ला चुंबकीय डैश का यूनिट है तो जो टेस्ला चुंबकीय किसका यूनिट है तो आपके ऑप्शन है प्रेरण संवेद क्षेत्र या प्रवाह तो बताइए टेस्ला चुंबकीय जो है ये किसका यूनिट है काफी अच्छा प्रश्न है और इस प्रश्न को आप लोग बताइए तो वेरी गुड फ्रेंड्स और इस क्वेश्चन का राइट right आंसर अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर एक प्रेरणन तो बिल्कुल सही आंसर है आपका जो टेस्ला चुंबकी है ये जो है प्रेरणन का मात्रक है और इसको जो है बी प्रतीक से व्यक्त करते हैं किससे बी से ठीक है इसलिए आपका ऑप्शन नंबर एक बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ठीक है दोस्तों दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो हेल्पफुल लग रही हो तो प्लीज एक बार आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए प्लीज फ्रेंड वीडियो को शेयर कर दीजिए क्योंकि शेयर करने में आप लोग कंजूसी ना किया करिए क्योंकि तो यही एक सपोर्ट है जो आपका हमें चाहिए होता है और आपका ये सपोर्ट मिलता है हमको ठीक है तो प्लीज फ्रेंड वीडियो को शेयर कर दीजिए सभी लोग चलिए देखते हैं इस वीडियो का अगला प्रश्न तो फ्रेंड्स आपका अगला प्रश्न है कि बिजली का बल्ब निम्नलिखित में से अर्धित यानी कि रेटेड होता है तो फ्रेंड्स अब आप आपको बताना है कि जो हमारे यहाँ जो हम सभी के यहाँ पे बिजली का बल्ब होता है वो किससे रेटेड होता है ठीक है तो आपके ऑप्शन हैं शक्ति और धारा यानी कि बिजली और करंट फिर आपका ऑप्शन है शक्ति यानी कि बिजली और वोल्टता फिर आपका आता है धारा और वोल्टता फिर आता है आपका ऊर्जा और बिजली तो इनमें से आपको बताइए कि जो बिजली का बल्ब बğ...... होता है वो किससे से अर्धित यानी किसकी किस से रेटेड होता है कुछ बैकग्राउंड में आवाजें आपको सुनने को मिल सकती है तो 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 right तो, इस क्वेश्चन नंबर टेन का राइट right आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शक्ति यानी कि बिजली और वोल्टता देखिए इसको थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं आप लोग ध्यान से देखिएगा देखिए दिखे, जो बिजली का बर्फ रिलेटेड होता है ये होता है जो है बिजली और वोल्टता से ठीक है आप लोगों के बल्ब जो अब तक है सी वाले पी एल वाले बल्ब आ गए हैं अगर आप लोगों ने तक तो पक्का देखा होगा का, जो कांच के बल्ब आते हैं ठीक है उसमें लिखा होता है कि हंड्रेड वॉट अपॉन टू फिफ्टी वॉट ऐसा करके लिखा होता है ना चलिए इसका मतलब आप हम आप, आपको समझाते हैं तो अगर किसी बल्ब पे इसकी ये हंड्रेड से 250 सौ पचास यानी कि 100 से 250 सौ वोल्ट की रेटिंग दी गई हुई है तो इसका मतलब ये होता है कि यदि बल्ब को 250 सौ पचास वॉट यानी कि दो सॉरी 250 वोल्टेज प्राप्त किया जाए तो ये जो है 100 विद्युत शक्ति का वे करेगा ठीक है यही इसकी रेटिंग होती है तो आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शक्ति और वोल्टता ठीक है ना दोस्तों चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न तो फ्रेंड्स आपका अगला प्रश्न है कि कुछ पदार्थों का अति निम्न तापमान पर विद्युत प्रतिरोध पूर्णता समाप्त हो जाता है तो इन पदार्थों को क्या कहा जाता है दोस्तों ध्यान से देखिएगा बहुत अच्छा प्रश्न है देखिए कुछ पदार्थों का अति निम्न तापमान यानी कि, कि कुछ पदार्थों का बिल्कुल छोटे से बिल्कुल कम टेम्परेचर पर जो उनका विद्युत प्रतिरोध होता है वो पूर्णता समाप्त हो जाता है ठीक है यानी कुछ उनका रेसिस्टेंट होता है वो पूरी तरह से बिल्कुल एंड हो जाता है तो इन पदार्थों को यानी कि ऐसे पदार्थों को क्या कहते हैं अति चालक अर्धचालक परा वैद्युकी या पूर्ण चालक तो अब बताइए कि आपके क्वेश्चन नंबर इलेवन का राइट आंसर क्या होगा कि ऐसे पदार्थ यानी कि ऐसे पदार्थों को क्या कहते हैं वेरी गुड फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट right आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए अतिचालक ठीक है देखिए अतिचालक पदार्थ का बिल्कुल निम्न तापमान पर प्रतिरोध पूर्णता समाप्त हो जाता है ठीक है लगभग शून्य से ठीक है शून्य से माइनस दो डिग्री सेल्सियस पर यह इनका होता है और ऐसे पदार्थ को बोलते हैं अतिचालक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ध्यान से देख लीजिए ठीक है ये सब आपको पीडीएफ मिल जाएगा इसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है या टेलीग्राम ऐप पे आप जॉब एक्सपी सर्च करके हमारे ग्रुप से जुड़ सकते हैं ठीक है फ्रेंड्स और इसकी प्रैक्टिस के लिए जल्द ही ज्ञान एक्सपी एप पर भी हम लोग आपको प्रोवाइड कराएंगे ठीक है तो लिंक भी उसकी हम प्रोवाइड करेंगे तो उससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं ठीक है काफी अच्छी तैयारी हो जाएगी आपकी तो चलिए दोस्तों हम देखते हैं अब इस वीडियो का अगला प्रश्न तो फ्रेंड्स आपका अगला प्रश्न है कि जिन पदार्थों में अनंत वैद्युत प्रतिरोध होता है तो उन्हें क्या कहते हैं देखिए अभी हमने बात की निम्न ठीक है निम्न प्रतिरोध की और अब आपको बताना है कि जिन पदार्थों में अनंत वैद्युत प्रतिरोध होता है तो उन्हें क्या कहते हैं ये ऑप्शन हैं और अब बताइए कि आपके इस क्वेश्चन का राइट right आंसर क्या होगा कि जिन पदार्थों में अनंत वैद्युत प्रतिरोध होता है तो उन्हें क्या कहते हैं तो फ्रेंड्स बहुत अच्छा क्वेश्चन है और अगर इस क्वेश्चन का राइट right आंसर अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर सी यानी कि विद्युत रोधी तो बिल्कुल सही आंसर है आपका यानी कि जिन पदार्थों में अनंत वैद्युत प्रतिरोध होता है उन्हें कहते हैं विद्युत रोधी रट लीजिए इसको इम्पॉर्टेंट है ठीक है रट लो आप लोग ठीक है चलिए अब हम ले चलते हैं आपको आगे इस वीडियो के अगले प्रश्न की तरफ तो फ्रेंड्स आपका अगला प्रश्न है कि सुपर कंडक्टर की चालकता कितनी होती है अब बताइए आप लोग की जो सुपर कंडक्टर्स होते हैं ठीक है थीके? सुपर कंडक्टर्स तो उनकी चालकता कितनी होती है शून्य असीमित कम या अधिक तो बताइए फ्रेंड्स कि सुपर कंडक्टर्स की, की चालकता जो है कितनी होती है तो फ्रेंड्स आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी असीमित जो सुपर कंडक्टर्स होते हैं इनकी जो चालकता होती है वो असीमित होती है ठीक है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी ठीक है असीमित ठीक है ना चलिए दोस्तों दे चलते हैं आपको आगे अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि आदर्श वोल्ट मीटर की प्रतिरोधिता कितनी होती है अब आप बताइए कि आदर्श वोल्ट मीटर ठीक है ठीक है आदर्श वोल्ट मीटर की जो है प्रतिरोध सॉरी हाँ प्रतिरोधिता कितनी होती है ये ऑप्शन से आपके सामने और ध्यान से देखिए और बताइए कि अब आपके क्वेश्चन नंबर फोर्टीन का राइट आंसर क्या होगा तो so फ्रेंड्स आपके इस क्वेश्चन का राइट right आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आसीमित जो आदर्श वोल्ट मीटर की प्रतिरोधिता होती है ये होती है आसीमित ठीक है ऑप्शन नंबर ए इसमें सही हो जाएगा आपका आसीमित चलिए दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि चुंबक रक्षक किसके टुकड़े होते हैं तो अब आप लोग बताइए कि चुंबक रक्षक किसके टुकड़े होते हैं निकेल कोबाल्ट इस्पात या नर्म लोहा तो बताइए आप लोग कि आपके क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन का राइट right आंसर क्या होगा कि चुंबक रक्षक किसके टुकड़े होते हैं तो वेरी गुड फ्रेंड्स और इस क्वेश्चन का राइट right आंसर अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर फोर कि नर्म लोहा तो बिल्कुल सही आंसर है आपका तो चुंबक रक्षक के टुकड़े होते हैं ये बने होते हैं नर्म लोहा यानी कि सॉफ्ट आयरन से ठीक है नर्म लोहा या सॉफ्ट आयरन ठीक है तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा नर्म लोहा ठीक है चलिए अब आपका प्रश्न आपके सामने है अगला प्रश्न है कि ए को डी में रूपांतरित करने के लिए प्रयुक्त साधन को क्या कहते हैं बहुत अच्छा प्रश्न है यानी कि ए वोल्ट को अगर हमको डी वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो जो उसके लिए हम जो है जिस सोर्स का जिस साधन का प्रयोग करेंगे तो उसे क्या कहते हैं ए को डी में कन्वर्ट करने के लिए तो वेरी गुड फ्रेंड्स और आपके इस क्वेश्चन का राइट right आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ठीक है दिष्टकारी और इसको बोलते हैं रेक्ट ठीक है तो ये ये जो है रेक्ट फायर ये ऐसी जो है युक्ति होती है जो कि ए को डी में कन्वर्ट करती है ए यानी कि प्रत्यावर्ती धारा और डी यानी कि दिष्ट धारा ये भी पूछ लेता है याद रखिएगा तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा दिष्टकारी ठीक है चलिए अब देखते हैं आपका अगला प्रश्न तो दोस्तों आपका अगला प्रश्न आपके सामने है प्रश्न है कि नॉट गेट किसके द्वारा क्रियावंतित किया जाता है फ्रेंड्स गेट तो किसके द्वारा क्रियावंतित किया जा सकता है नॉट गेट बताइए तो फ्रेंड देखिए जो नॉट गेट होता है इसको जो है एकल ट्रांजिस्टर सॉरी एकल ट्रांजिस्टर के द्वारा क्रियावंतित किया जाता है एकल ट्रांजिस्टर ठीक है ऑप्शन नंबर डी आपका इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही तो है। और देखिए नॉट गेट को इन्वर्टर के नाम से भी जानते हैं ठीक है नॉट गेट को इन्वर्टर के नाम से भी जानते हैं यह भी आप याद रखिएगा चलिए देखते हैं अगला प्रश्न तो फ्रेंड्स आपका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सबसे बढ़िया रोधी यानी कि इंसुलेटर कौन सा है तो देखिए लकड़ी कपड़ा कांच और कागज में से सबसे बढ़िया इंसुलेटर कौन सा है तो फ्रेंड्स आपके इस क्वेश्चन का राइट right आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ठीक है कांच कांच जो है है ग्लास ये सबसे बढ़िया इंसुलेटर ठीक है थीके? तो ऑप्शन नंबर सी आपका इसमें सही हो जाएगा कांच चलिए देखते हैं अगला प्रश्न तो फ्रेंड्स आपका अगला प्रश्न है कि उच्च वोल्टेज अनुप्रयोग के लिए किस प्रकार का इंसुलेटर प्रयोग किया जाता है देखिए अब हमने बात की है अभी कि सबसे अच्छा इंसुलेटर होता कौन सा तो वो होता है कांच लेकिन अब बताना है आपको कि उच्च वोल्टेज अनुप्रयोग के लिए ठीक है यानी कि हाई वोल्टेज यूज के लिए किस प्रकार का इंसुलेटर यूज होता है यूज किया जाता है ऑप्शन आपके सामने बताइए तो फ्रेंड्स देखिए पहली बात तो ये इंसुलेटर को कहीं कहीं पे विद्युत रोधी के नाम से भी जानते हैं ठीक है ठीक है ना ये भी आप लोग कंफर्म कर लीजिए और अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के राइट आंसर की तो तब जो इंसुलेटर्स का उपयोग होता है वो होता है निलंबन प्रकार का ठीक है तो इसलिए आपके इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए निलंबन प्रकार ठीक है यानी कि सस्पेंशन टाइप ठीक है निलंबन प्रकार यानी कि सस्पेंशन टाइप का होता है ठीक है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर क्लियर फ्रेंड्स चलिए संख्या कुछ कम लग रही है प्लीज आप लोग एक बार फिर से अपने ग्रुप्स में वीडियो को शेयर कर दीजिए जो लोग नए जुड़े हैं वो भी प्लीज वीडियो को सपोर्ट करें प्लीज वीडियो को शेयर कर दें तो आपका अगला प्रश्न है कि जो ठोस उच्च ताप पर विद्युत का वहन करते हैं ध्यान से देखिए कि जो ठोस उच्च ताप तो पर विद्युत का वहन करते हैं परंतु न्यूनतम ताप पर नहीं तो वे क्या कहलाते हैं बताइए तो उन्हें क्या कहते हैं अति चालक धात्विक चालक अर्धचालक या विद्युत रोधी तो जो ठोस उच्च ताप पर विद्युत का वहन करते हैं परंतु न्यून ताप पर नहीं यानी कि हाई टेम्परेचर पे कर लेंगे लेकिन कम टेम्परेचर पे नहीं कर सकते हैं बताइए तो उन्हें क्या बोलते हैं तो फ्रेंड्स इन्हें ही बोलते हैं अर्धचालक ठीक है क्या बोलते हैं अर्धचालक जो तो अर्धचालक पदार्थ होते हैं इनकी जो विद्युत चालकता ताप के बढ़ने पर बढ़ती है और ताप के घटने पर घटती है ठीक है यही होते हैं अर्धचालक इसलिए आपके ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ठीक है चलिए देखते हैं अगला प्रश्न तो फ्रेंड्स आपका अगला प्रश्न है तो कि निम्न में से कौन सा विद्युत का चालक है तो रबड़ शुद्ध जल लवण जल और बेंजीन काफी सिंपल सा प्रश्न है और बताना है आपको कि कौन सा जो है विद्युत का चालक है तो फ्रेंड्स आपके इस क्वेश्चन का राइट right आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लवण जल देखिए जो शुद्ध जल होता है वो विद्युत का कुचालक होता है जो, जो लवण जो होता है लवण जल ये जो है विद्युत का सुचालक होता है तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा लवण जल ठीक है ना चलिए अब हम लेख चलते हैं आपको आगे अगले प्रश्न की तरफ तो दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से क्या सोपानी परिणाम है तो वेग बल कोड़ी संवेग और स्थिर वैद्युत विभव तो इनमें से बताइए कि कौन सा जो है सोपानी परिणाम है तो बताइए कि अब आपके क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू का राइट right आंसर क्या होगा तो फ्रेंड्स आपके इस प्रश्न के लिए अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर बी बल देखिए इसमें आपका सॉरी ऑप्शन नंबर डी इसमें स्थिर विद्युत वैभव चलिए बात करते हैं स्थिर विद्युत वैभव की तो ये देखिए ये एक होती है अदिश राश ठीक है स्थिर विद्युत वैभव अगर कभी पूछ ले कैसी राशि है तो ये है एक अदिश राश और अदिश राशियाँ क्या होती हैं तो अदिश राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जिन्हें पूर्णता व्यक्त करने के लिए परिणाम की आवश्यकता होती है जैसे कि देखिए अदिश राशि में आदिश दिशमिस दिख दिशा और आमिस नहीं देखिए सिंपल सा है अध्य राशियां वे होती हैं जिनको व्यक्त करने के लिए परिणाम की आवश्यकता होती है और दिशा की आवश्यकता नहीं होती जैसे कि उदाहरण के लिए ताप हो गया चलिए और लिख देता हूं आपका ताप हो गया चाल हो गया ठीक है और फिर आपका ये आयतन हो गया वेग हो गया क्षेत्रफल हो गया द्रव्यमान हो गया ये सब होते हैं ठीक है ये होती हैं अदिश राशियां ठीक है तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा चलिए है। देखते हैं अगला प्रश्न तो फ्रेंड्स आपका अगला प्रश्न है कि घरेलू विद्युत केबल में प्रयोग की जाने वाली धातु क्या है तो जो घरेलू हमारे जो डोमेस्टिकल जो विद्युत केबल्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी केबल्स तो इनमें जो यूज होता है धातु वो कौन सी होती है बताइए तो फ्रेंड्स इसमें होता है तांबा ठीक है कॉपर है ना कॉपर के तो वायर सब लोग यूज़ करते हैं जो कि बेस्ट होते हैं ठीक है थे? तो इसमें क्या यूज होता है कॉपर यानी कि तांबा तो ऑप्शन नंबर डी आपका इसमें से हो जाएगा तांबा ठीक है चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न तो फ्रेंड देखिए कितना जो है आसान सा क्वेश्चन है और कितना इंपॉर्टेंट है दस में पूछा गया है ग्यारह में पूछा गया है और आगे भी कई बार पूछा गया है तो अब आपको बताना है कि घरेलू विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज़ तार उससे बनी होती है जिसका देखिए क्वेश्चन टेंथ में आप लोगों ने कई बार पढ़ा होगा ठीक है तो जो हमारे घर में फ्यूज़ का वायर लगा होता है जो फ्यूज़ में वायर छोटा सा लगा होता है तो वो किसका बना होता है कि जिसका प्रतिरोध कम हो जिसका गलनांक कम हो या विशिष्ट घनत्व तो कम हो या चालक तो कम हो तो बताइए कि जो सिंपल सा पूछा गया है कि फ्यूज का तार किसका बना होता है कि जिसमें क्या कम हो या क्या अधिक हो तो फ्रेंड्स इसको हम लोग टेंथ से पढ़ते हुए आ रहे हैं और इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर बी जिसका गलनांक कम हो तो बिल्कुल सही आंसर है आपका जो फ्यूज तार उस धातु का बना होता है जिसका गलनांक कम हो ऑप्शन नंबर बी आपका इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ठीक है चलिए आपका अगला प्रश्न है कि ओम का नियम निम्न में से किसके बारे में सही है तो ओम का नियम किसके बारे में सही है रोधी अर्धचालकता चालक या अति चालक तो वेरी गुड फ्रेंड्स और इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी ठीक है ओम का नियम चालकों के लिए सही है और ओम का नियम होता क्या है कि यदि ध्यान से देखिएगा तो ओम का नियम कहता है कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे भौतिक अवस्था क्या होती है ताप हो गया ये सब होता है ठीक है तो यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन ना हो तो चालक के सिरों पर लगाया जैसे चालक के यहाँ चालक के सिरों पर लगाया जाने वाला विभवान्तर उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाति होता है इसको टेंथ में आप लोगों ने जरूर मार्क खाई होगी ठीक है ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर चलिए तो फ्रेंड्स आपका अगला प्रश्न है कि जब किसी कुंडली में कुंडलों की संख्या कुंडली की लंबाई में कोई परिवर्तन किए बिना तिगुनी कर दी जाती है तो उसका प्रेरक तत्व कितना होता है तो अब आप लोग बताइए कि जब किसी कुंडली में कुंडलों की संख्या जब किसी क्वायल यानी कि कुंडली में कुंडलों की संख्या कुंडलों की लंबाई में कोई परिवर्तन किए बिना तिगुनी कर दी जाती है तीन गुना कर दी जाती है तो उसका जो प्रेरक तत्व तो में कितना हो तो उसका प्रेरक तत्व तो कितना हो जाता है तो फ्रेंड सिंपल सा है अगर हम किसी कुंडली की जो है लंबाई को बिना परिवर्तन किए हुए तीन गुना कर देंगे तो उसका जो परिवर्तन होता है वो तीन गुना और बढ़ जाता है तो थ्री इंटू थ्री इज इक्वल टू नाइन तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर एक से हो जाएगा नौ गुना ठीक है चलिए देखते हैं अगला प्रश्न तो फ्रेंड्स आपका अगला प्रश्न है कि वैद्युत परिष्करण के दौरान विशुद्ध धातु तो कहां पर एकत्रित होती है तो वैद्युत परिष्करण ठीक है के दौरान विशुद्ध धातु तो होती है देखिए सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि विद्युत परिष्करण की कुछ भी आपका छूटने नहीं देंगे हम आप लोग हम ठीक है हम आप लोगों का बस सपोर्ट की जरूरत है आप लोगों के ठीक है जो ये विद्युत परिष्करण होता है तो ये एक ऐसी धातुकर्म विधि है जिसमें उच्चतम ठीक है जिसमें कि उच्च तथा कोट की शुद्धता की धातु प्राप्त की जाती है यानी कि विद्युत परिष्करण में सबसे हाई क्वालिटी की धातु प्राप्त की जाती है ठीक तो हो, है तो अब बताइए कि इसके दौरान जो धातुएं होती हैं वो कहाँ एकत्रित होती हैं तो देखिए फ्रेंड ये एकत्रित होती है कैथोड में ठीक है ऑप्शन नंबर डी आपका इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा कैथोड ठीक है चलिए देखते हैं अगला प्रश्न दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि एक अन इलेक्ट्रॉनिक चालक है तो एक अन इलेक्ट्रॉनिकी चालक कौन सा है लोहा गैस कार्बन कॉपर सल्फेट या पारा यानी कि पारद को मरकरी भी बोलते हैं पारा ही बोलते हैं देखिएगा तो अब बताइए कि आपके क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन का राइट आंसर क्या होगा तो फ्रेंड्स आपके क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कॉपर सल्फेट एक अन इलेक्ट्रॉनिक चालक है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ठीक है चलिए दोस्तों आज का अगला प्रश्न देखते हैं तो अब आपका प्रश्न है कि धातु के तार में बिजली का प्रवाह किससे बना है तो धातु के तार में बिजली का प्रवाह किससे बना है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या इनमें से कोई नहीं तो वेरी गुड फ्रेंड्स और इस क्वेश्चन का राइट right आंसर अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर ए इलेक्ट्रॉन देखिए जो इलेक्ट्रॉन होते हैं जो देखिए जो धातुओं में इलेक्ट्रॉन होते ये होते हैं मुक्त अवस्था में ठीक है ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये होते हैं मुक्त अवस्था में ठीक है और धातु के तार में बिजली का प्रवाह इलेक्ट्रॉनों के संचरण में ही होता है ठीक है जब धातु धात इलेक्ट्रॉन मुक्त है तो वो आसपास चलते रहेंगे ठहलते रहेंगे ठीक है वायर है इसमें अगर इलेक्ट्रॉन मुक्त मुक्त है तो ये चलते रहेंगे तो ये अपने साथ में इलेक्ट्रिसिटी भी ले जाते हैं ठीक है तो यही रीजन होता है कि धातु के तार में बिजली का प्रवाह होता है इलेक्ट्रॉनों द्वारा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ठीक है दोस्तों दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो फ्रेंड्स अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर करके जाइए तो दोस्तों प्लीज़ आप लोग इतना सपोर्ट कीजिए वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए ठीक है तो मैं मिलता हूँ आपसे कल दोस्तों कंप्यूटर क्लास जो चार बजे होती है हमारी कंप्यूटर क्लास चार बजे वो आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए ठीक है इसमें आपको एसएससी में काफ़ी हेल्प मिलेगी क्योंकि क्वेश्चन एसएससी में भी कंप्यूटर से आते हैं फ्रेंड्स हमारा जो ऐप है उस पर हम आपको जल्द ही प्रैक्टिस सेट अवेलेबल कराएंगे इन सब चीज़ों के तो आप लोग उससे प्रैक्टिस भी कीजिए अच्छी तरह कीजिए हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं सक्सेस होकर दिखाइए बस ठीक है फ्रेंड्स तो मिलते हैं कल प्लीज़ फ्रेंड वीडियो को लाइक और शेयर करके जाइए ठीक है फ्रेंड्स तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए टेक केयर गुड नाइट फ्रेंड्स